बिग बॉस 13 जो कि काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा है। दोस्तों अब आ चुका है दूसरा वीक, लेकिन बात करें पहले वीक के नॉमिनेशंस के बारे में तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा था, जहां पर 4 लड़कियां नॉमिनेट हुई थी, जिनमें से पहली थी रश्मि, उनके बाद में दलजीत और आखिर में आपको बता दें कि थी कोइना और शहनाज किल। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज एक गोल्डन चांस मिला है इन चारों लड़कियों को, जो कि करा सकता है इनमें से किसी एक को सेव। या दोस्तों अब उनको लोगों की कोई और ज़रूरत नहीं होगी, जनता की जो वोटिंग है उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर वो एक टास्क परफॉर्म कर देंगी तो वो सेफ हो जाएंगे। अब ये टास्क क्या है इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दोस्तों आज आप देखेंगे कि ग्राउंड में एक बड़ी सी घड़ी लगाई गई होगी, जिसके अंदर चारों तरफ यानी कि एक तरफ होगी शहनाज गिल की फ़ोटो, तो दूसरी तरफ होगी दलजीत की, और एक तरफ होगी रश्मि देसाई की फ़ोटो, और एक तरफ होगी कोइना की फ़ोटो। अब बात यह है कि उसमें सिर्फ एक ही सुई है जो कि लिखा गया है उसके ऊपर सेफ, और उन चारों लड़कियों में से सभी को अपनी अपनी तरफ उस सुई को खींचकर होल्ड करके रखना है जब तक कि बज़र नहीं बज जाता, और जिस भी फ़ोटो के आगे वो बज़र बजने के बाद सुई रहेगी वो सेफ हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके का अब प्रोमो आउट किया गया है, इसके अंदर साफ पता चलता है कि एक मस्कुलर टास्क है जहां पर सभी को अपना दमखम दिखाना पड़ेगा, और उसी के चक्कर में इस टास्क को वो बर्बाद कर देंगे। दोस्तों अब आपको बता दें कि जैसे ही ये टास्क आज स्टार्ट होने वाला होता है, उससे पहले एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है दलजीत के द्वारा, लेकिन दलजीत जब बोलती है कि सब एक एक बारी अपनी अपनी फ़ोटो की तरफ उस सुई को घुमा लेंगे, और बजर जिसके पास भी रुकता है, बंद होता है, बजता है, तब जिसके ऊपर भी फ़ोटो के ऊपर वो सुई होगी वो सेफ हो जाएगा। और इसमें कोइना कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड आइडिया है, और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, और उसके बाद में शुरू होता है ये टास्क। अब टास्क स्टार्ट होते ही सब अपना दमखम दिखाने लगते हैं, और कोइना काफ़ी ज़्यादा दमदार इसमें नज़र आती है, अपनी फ़ोटो से वो सुई हटाती ही नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि शहनाज, रश्मि और साथ ही साथ दलजीत, ये तीनों ही एक साथ अपना दम लगाते हैं, और आखिर में फैसला होता है कि उनकी जो सेफ वाली सुई है घड़ी की वो टूट जाती है। अब उसके बाद में बात ये है कि आखिरकार एक गोल्डन मौका उन्हें दिया गया था, जहां पर उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी लेना चाहिए था, और ये एक दिमाग का गेम था जहाँ पर सभी में से कोई एक सभी के दिमाग में ये प्लॉट कर दे कि आप मुझे आज सेफ कर दो, और अब ऐसा नहीं हुआ है, और अब आखिर में कोई भी सेफ नहीं नज़र आएगा, क्योंकि ये घड़ी, ये गोल्डन चांस अब टूट चुका है। तो दोस्तों अब आज क्या होगा देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि बिग बॉस का फैसला आखिर क्या है। अब अगर आपको ये पूरा एपिसोड देखना है तो आप भी इसे जाकर देख सकते हैं वूट ऐप पर, और देख सकते हैं कलर्स के ऑफिशियल चैनल के ऊपर। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल खेलो खेलो को, ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही बिग बॉस की हर अपडेट सबसे पहले।